उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। मुझको लगता प्यारा घर, सबसे न्यारा मेरा घर, धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, सारी दुनिया से भी प्यारा मुझको है मेरा घर। माय डियर चिल्ड्रेन, कैसी लगी ये पोएम आपको? जैसे हमको हमारा घर बहुत प्यारा होता है, वी बिल्ड आवर होम्स विद लव एंड हार्ड वर्क। डू यू नो एनिमल्स भी अपने होम्स को बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाते हैं। सो लेट्स नो कि इन एनिमल्स के होम्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सुनते हैं स्टोरी, होम स्वीट होम। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, ऑल द एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली इन दैट फॉरेस्ट। उस जंगल में सारे एनिमल्स बहुत प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। आज सारे एनिमल्स बहुत खुश थे, पता है क्यों? क्योंकि आज सिम्बा द कब, लायन के बेबी का बर्थडे जो था, इसीलिए गज्जू द एलिफेंट जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला। तभी रास्ते में उसे टिन्नी द एंट मिली। तो आइए सुनते हैं वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। सिम्बा के बर्थडे में जाएंगे, धूम धड़ाम मचाएंगे। सिम्बा के बर्थडे में जाएंगे, धूम धड़ाम मचाएंगे। अरे टिन्नी, तुम अभी तक यहीं हो? सिम्बा के बर्थडे पर नहीं चलोगी क्या? तुम्हें पता है मैंने सिम्बा के लिए गिफ्ट में शुगर केन भी ले लिया है। ऑफ कोर्स आई विल गो गज्जू, मैं तो सिम्बा के बर्थडे के लिए शुगर लेने आई थी। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ओके, बट वेयर इज रोजी? वह तो अपने एंट हिल में होगी। ठीक है, तुम चलो, मैं एंट हिल से रोजी को लेकर आती हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ, तब तक मैं बाकी के फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ। ऑन द वे ही मेट भोलू द बेयर। भोलू वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। गज्जू वहाँ जाकर उसको जगाता है। भोलू, अरे ओ भोलू, वेक अप! तुम्हें सिम्बा के बर्थडे पे नहीं चलना है क्या? यस यस, जाना है भाई, क्यों नहीं, मैं भी सिम्बा के बर्थडे में जाऊंगा। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। बट डियर फ्रेंड, आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड सम हनी। अरे वो देखो बिहाई, इसे देखकर मेरी भूख तो और भी बढ़ गई। लेट्स गो, इस बीहाइव को तोड़कर हनी निकाल लेते हैं। भोलू की ऐसी बातें सुनकर गज्जू ने उसे समझाते हुए कहा, नो भोलू, इट्स वेरी बैड, तुम्हें बीहाइव नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें पता है बजीब और उसके फ्रेंड्स को बीहाइव बनाने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं समझ गया गज्जू, आई एम वेरी सॉरी। दैट्स वेरी गुड, अगर तुम्हें भूख ही लगी है तो हम बजीबी से तुम्हारे लिए थोड़ी हनी मांग लेते हैं। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। दे बोथ रीच्ड बजीज बीहाइव और वो दोनों बजी के पास पहुंच जाते हैं। डियर बजी, आई एम वेरी हंग्री, कैन यू गिव मी सम हनी?
आई एम सॉरी भोलू, बट मैंने तो सारे हनी का सिम्बा के लिए केक बना दिया। यम्मी, तो तुम अपने बीहाइव में अभी तक क्यों बैठी हो? लेट्स गो, वी विल एंजॉय दिस हनी केक इन द पार्टी। हाँ हाँ चलो, और सोना को भी उसके नेस्ट से ले लेंगे। एंड दे ऑल मूव्ड टुवर्ड्स द बर्ड्स नेस्ट। और वो सब सोना बर्ड के नेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरे वो देखो सोना का नेस्ट। सोना चलना नहीं है, बी क्विक, हमें सिम्बा के बर्थडे पार्टी में जाना है। यस यस, तुम सब चलो, मैं अपने ट्रिक्स को रेडी करके लाती हूँ। वो तीनों अपनी बातों में बिजी होते हैं, तभी उन्हें चीकू द रैबिट पीछे से आवाज देता है। अरे तुम सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, मैं भी चलूंगा सिम्बा के बर्थडे में। तुम कहाँ रह गए, चलो जल्दी। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, मैं अपने बलों का डोर अच्छे से लॉक कर दूँ। मैंने ढेर सारे कैलेस जमा करके रखे हैं, कोई उन्हें उठा ना ले जाए। अरे अरे भाई, कैलेस कोई नहीं लेगा, चलो। चीकू की बात सुनकर सभी फ्रेंड्स जोर से हंस पड़े और सारे फ्रेंड्स चल पड़े लायन के होम की ओर, अरे उसके डेन की तरफ। As they reached near the den, उन्हें melodious music सुनाई पड़ती है और पूरा एरिया कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। The king lion was standing outside the den to welcome all. Welcome to my den. Thank you, sir. It's an honor. My dear king, where is Simba? I have brought honey cake for him. Thank you, Wazir. Simba is inside the den. He is getting ready for the party. Dear sir, your den is decorated so beautifully. Thank you, Buzzy. तभी मिंकी द मंकी वहां पहुंचा। He was shivering with cold. Seeing his condition, the king lion asked him, What happened, Minky? Why are you shivering? डियर सर, मैं ट्री पर बैठा था, तभी बारिश होने लगी, मुझे कहीं शेल्टर ही नहीं मिला और मैं भीग गया। यस मिंकी, होम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस, क्योंकि घर हमें धूप और बारिश से बचाता है। यस सर, आज मुझे होम का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। नाउ आई विल मेक अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर माई सेल्फ। ओह दैट्स गुड, आज रात तुम दिन में ही रुक सकते हो। थैंक यू सर। इतने में ब्यूटीफुल ड्रेस पहने और शाइनी क्राउन लगाए हुए सिम्बा रेडी होकर आता है। And he cuts the cake. Happy birthday to you.